ओम शनिश्चराय नमः, ओम शांताय नमः, ओम मंदाय नमः, ओम छायापुत्राय नमः, ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनि देव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर की जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले कई वर्षों से लगातार किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 30 मार्च 2024, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज रंग पंचमी, श्री पंचमी मनाई जाएगी। आज देवी देवताओं की होली मनाई जाएगी। आज घर के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रतिमा पर गुलाल अर्पण कीजिएगा, ओम शिव शिये नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। आप सभी दर्शकों को श्री रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:25 से पूर्वान 10:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं कीजिएगा। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज प्रातः 7:53 से प्रातःकाल 9:25 तक अशुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:31 से दोपहर 2:04 तक चर का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा और दोपहर 3:37 से सायकाल 5:10 तक अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। दोस्तों कहते हैं कि शुक्र मेहरबान तो सब कल्याण ही कल्याण। दोस्तों भोग विलास के देवता शुक्रदेव रविवार दिनांक 31 मार्च 2024 को दोपहर 4:46 पर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आइए आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम अब बात कर लेते हैं शुक्र के अपनी उच्च राशि मीन राशि में महाराशि परिवर्तन से आप में से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, किसका होगा ब्याह, किसे मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, किसका रहेगा जीवन का गोल्डन टाइम। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन
आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर होने जा रहा है। शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर गोचर प्रवेश। तो क्या होगा महाराज, हमारे वो दर्शक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, उन्हें मिलेगा तगड़ा लाभ। और क्या, विदेश यात्रा का बनेगा योग, बाहर घूमने आने जाने का बनेगा योग, जीवन का एक अच्छा समय रहेगा। समाधान क्या रहेगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के महाराशि परिवर्तन के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर होगा। 11वें भाव में गोचर करेंगे शुक्रदेव आपकी राशि से। 11वां भाव अर्थात लाभ का भाव। क्या होगा, हमारे जो बिजनेसमैन दर्शक हैं, उन्हें बिजनेस में मिलेगा मनचाहा लाभ और रुका हुआ धन भी मिलने लगेगा वापस। कुल मिला के व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा समय रहने वाला है। समाधान, ओल्ड एज होम में तुअर दाल का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव में करेंगे गोचर। उससे क्या होगा महाराज, वर्किंग सेक्टर में हो सकता है बेहतर सुधार, पद पावर प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि। कुल मिलाकर कहूं तो 10म भाव में शुक्र के महाराशि परिवर्तन से बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, और जो रोजगार में है उन्हें आने वाले महीने में तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है। समाधान क्या रहेगा, गौशाला में गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उर्मिल जयपुर से प्रश्न पूछिए। उर्मिल जी, जी सर, मेरा जन्म 18/4/1962 का है। 18 या 12? 18 18/4/1962 जी हाँ, भरतपुर। प्रश्न और समय क्या है, 12:20 दिन के दोपहर में 12:20 प्रश्न पूछिए। वैसे ये है कि एक तो मेरे को रोगों से परेशान हूँ और मेरा इष्ट देव क्या है, किसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न के स्वामी जो होते हैं भगवान शंकर स्वयं होते हैं। आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी जो है भगवान श्री गणेश होते हैं। तो आपको भगवान शिव शंकर की और भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य उच्च राशि का है। यदि आप और अच्छा करते जीवन में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, बड़े उच्च पद के ऊपर राजनीति में जाने के, अपनी सरकारी नौकरी में उच्च पद पे जाने के योग बनते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, लेकिन वर्तमान में आप शनि की महादशा राहु के अंतर से चल रहे हैं। राहु आपके शरीर के घर में बैठा है, वो भी चंद्रमा की राशि पे। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन इवनिंग यू फील बैड, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन आर देयर एंड लॉट ऑफ हेल्थ फ्लक्चुएशंस आर देयर। ये राहु आपका रहता है दिसंबर 2025 तक। इस राहु के कारण जो है वो हेल्थ सेक्टर थोड़ा कमज़ोर रहता है। तो क्या करें, हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती भैरव मंदिर में चढ़ाएं, चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। अभी आपका जन्मदिन आ रहा है, उस जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। खाना बनाते समय मुख अपना पूरब दिशा में रखिएगा, सोते समय सिर या तो पूरब दिशा में रखिएगा या दक्षिण दिशा में रखिएगा। नियमित रूप से अपने कमरे के अंदर नमक के पानी का पोछा अवश्य लगवाइएगा। कुत्तों को पार्ले जी का बिस्कुट
का पैकेट अवश्य खिलाइए शनिवार रविवार, क्योंकि आपका समय दिसंबर 2025 तक नहीं है। जितना संभव हो भगवान सोमवार को भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें। अभिषेक भी यदि छाछ से करें, लस्सी से करें, तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को खाली शंकर भगवान का बीज मंत्र है बम, ओम बम 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 15 मिनट बम 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 बम। आर्थराइटिस हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, हर तरह की बीमारी का एक सरल समाधान बम 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 करके देखिएगा, लाभ होगा। आप हमें फ़ोन कॉल करके बताइएगा। राजेंद्र जी बीकानेर से पूछे। राजेंद्र जी शुभ आशीर्वाद। जी पहले तो डेट ऑफ बर्थ बता दूँ, 17965। वापिस बोले 17965। हाँ सितंबर है ये। हाँ समय सुबह के 4 बजे स्थान दिखाने। सुबह 4 बजे स्थान दिखाने। एक तो मेरे इंट्यूशन का कारक है, अब टुडे को बहुत अच्छी स्थिति में, शनि बहुत अच्छी स्थिति में, वृहस्पति आस्पेक्ट भी है, तो इंट्यूशन बढ़ाने के लिए क्या करें? मुझे इंट्यूशन तो होता है, और दूसरी चीज है ये जो सेटन एट में है, ये एंशियंट चिकित्सा पद्धति की तरफ जो रुझान कर रखा है, तो इस स्थिति को भी मैं हीलिंग पावर को बढ़ाने के लिए वो कल्याण कर सकूँ, इसके लिए मुझे क्या करना है? दो चीजें, एक इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, दूसरे हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है? देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है और जो आपके कुछ मूल प्रश्न भी हैं, आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव में राहु और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। राहु तो है 14 डिग्री का और चंद्रमा जो है वो है 10 डिग्री का। ये दशम भाव आपका वर्किंग सेक्टर है, क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि का है लेकिन राहु से पीड़ित है, तो राहु की पावर को कम करें और चंद्रमा की पावर को बढ़ाएं। तो राहु की पावर कम कैसे होगी? राहु की पावर को कम करने के लिए आपको रविवार को भैरव आराधना करनी होगी। चंद्रमा की पावर को बढ़ाएं, तो चंद्रमा की पावर को कैसे बढ़ाएंगे? आप चांदी का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं, चांदी की चेन धारण कर सकते हैं, और आप चांदी के गिलास का प्रयोग कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होगा? वर्किंग सेक्टर की जो आपकी फ्लक्चुएशंस हैं वो ख़त्म होगी। शनि आपकी जन्म कुंडली में वक्री अवस्था के अंदर है तो 19 डिग्री का, लेकिन वक्री अवस्था में है, तो घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें, छल्ला खुला हुआ नहीं हो, छल्ला जो है वो बंद हो। सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो 0 डिग्री का है, तो 0 डिग्री का सूर्य जो है वो भी एक पद पावर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने में थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो सूर्य की पावर को बढ़ाइए। सूर्य की पावर को बढ़ाने के लिए आप माणिक धारण कर सकते हैं, आप गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, सूर्य का पेंडेंट गले के अंदर आप धारण कर सकते हैं। निश्चित तौर पे अभी राहु ख़त्म होने वाला 28 जुलाई में, उसके पश्चात आपकी बहुत सारे रुके हुए काम जरूर पूर्ण होंगे। राहु के लिए एक भैरव दीपदान पूजा होती है, बीकानेर में यदि कोई कराता हो भैरव दीपदान तो वो वहाँ करवा लीजिए, नहीं तो मेरे से समय लेके आप जयपुर आइए, एक भैरव दीपदान कराइए, आपके सारे रास्ते ऐसे चुटकियों में खुलते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी अगली 3 राशियों की। आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से, आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 3 राशियों की बात करी, आगे 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9वां भाव अर्थात भाग्य स्थान में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज? जीवन में खुशियां दस्तक देंगी, नॉक करेंगी। लक फैक्टर आपसे 4 कदम आगे चलेगा, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, नौकरी हो या व्यापार, किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। कुल मिलाकर कहूं तो कहते हैं ना कि भाग्य अच्छा तो सब अच्छा, आने वाला समय में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, तो आलस्य को छोड़ के काम पे जुट जाइएगा। समाधान, अनाथ कन्याओं को दही की लस्सी पिलाइएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से
अष्टम भाव में गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से एर्थ हाउस के अंदर होने जा रहा है, तो क्या होगा महाराज, कोई पुरानी बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं तो उस पुरानी बीमारी से आपको निजात मिल सकती है। हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। सुख सुविधाओं में इजाफा होता हुआ आपको दिखाई देगा। फिजिकली फिट महसूस करोगे। समाधान, सुहागिन महिला को शक्कर का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त हो। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से सेवंथ हाउस के अंदर होने जा रहा है। शुक्र आपकी राशि से सातवें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, होगा हमारे अविवाहित दर्शकों का ब्याह, और जिनका ब्याह हो गया है उनके दाम्पत्य जीवन में दिन गुजरेंगे शानदार। नौकरी हो या व्यापार, रहेगा एक अच्छा समय, गोल्डन टाइम। सप्तम भाव, कहते हैं ना कि आपका दाम्पत्य जीवन मधुर है तो आपकी नौकरी व्यापार में भी दिन गोल्डन डे है, और आपका दाम्पत्य जीवन खराब है तो नौकरी व्यापार में भी सब बर्बाद ही बर्बाद है। तो ये समय आपके लिए बर्बादी का नहीं है, गोल्डन डे वाला समय है। समाधान, देवी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर रहे हैं शुक्र के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। छह राशियों की बात करी, अगली छह राशियों की बात करते हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। सिक्स्थ हाउस में शुक्र करेंगे गोचर प्रवेश। क्या होगा महाराज, कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा से मिलेगी मुक्ति, गुप्त शत्रु बैकबाइटिंग से मिलेगी मुक्ति, मेहनत और लगन का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। यदि आप हार्डवर्क करोगे तो निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। समाधान क्या रहेगा, कुष्ठ आश्रम में चावल का दान कीजिएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा, फिफ्थ हाउस के अंदर। शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से फिफ्थ हाउस के अंदर पंचम भाव में गोचर प्रवेश। तो क्या होगा महाराज, हमारे जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत जो आपने करी है उसके शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, और जो मेहनत कर रहे हो उसके भी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। किसी कंपटीशन में अच्छे खासे नंबरों से पास हो सकते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आने वाले हैं तो वो भी आपके फेवर में आ सकते हैं। और हमारे वो दर्शक जो पिछले कुछ समय से अपने बच्चों को लेकर परेशान थे, तो संतान संबंधित समस्याओं का भी आने वाले समय में आपको सरल समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान क्या रहेगा, हॉस्पिटल वार्ड में चले जाइएगा, ब्रेड के पैकेट शुक्रवार के दिन बांटिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, फोर्थ हाउस के अंदर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से चौथे भाव में होने जा रहा है। तो क्या होगा महाराज, चौथा भाव सुख का, जमीन जायदाद का, माँ का, आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर इन योर लाइफ, इन योर कैरियर। माता के सुख में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हो सकता है लाभ, यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो अच्छा खासा लाभ हो सकता है, और यदि आप अपना स्वयं के लिए घर, फ्लैट, जमीन, फार्म हाउस ढूंढ रहे हैं तो वो आपका सपना पूरा हो सकता है, अच्छा समय रहेगा। समाधान, शुक्रवार को कौओं को पनीर खिलाइएगा, शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर, थर्ड हाउस के अंदर गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से
थर्ड हाउस के अंदर होने जा रहा है, पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कार्य क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, भाई बहनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, पद पावर प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। समाधान क्या रहेगा? ओल्ड एज होम में पनीर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव करेंगे आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर प्रवेश गोचर। शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो उससे क्या होगा महाराज? द्वितीय भाव अर्थात धन भाव, वहां पे शुक्र उच्च राशि के बैठेंगे, तो अलग अलग सोर्सेस से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, कभी आसमान से बरसता हुआ दिखाई देगा, कभी जमीन में से निकलता हुआ दिखाई देगा, अलग अलग सोर्सेस से पैसा बरसता हुआ दिखाई देगा, तिजोरी में बढ़ता हुआ धन का भंडार दिखाई देगा, पॉकेट रुपये पैसों से भरी रहेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कुल मिला के फाइनेंशियल लिहाज से, पैसों के लिहाज से शुक्र का महाराशि परिवर्तन आपको रोडपति से करोड़पति बनाने जा रहा है। समाधान क्या रहेगा? कन्या के अनाथाश्रम में उड़द दाल का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, शुक्रदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। शुक्रदेव आपकी राशि के अंदर ही गोचर करने जा रहे हैं। तो क्या होगा महाराज? जीवन में खुशियों की होगी बहार। आपके जीवन का, आपके लाइफ का, आपके कैरियर का गोल्डन मोमेंट रहने वाला है। हर तरफ से खुशियां आपको मिलते हुए दिखाई देंगी। रहेंगे जीवन के अच्छे दिन, पूरी होगी बरसों पुरानी कोई तमन्ना। शुक्र का महाराशि परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन में नाना प्रकार के सुखों को लेकर आने वाला है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरीके से सुख आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। समाधान क्या रहेगा? कन्याओं को चांदी की पायल गिफ्ट कीजिएगा, निश्चित तौर पर शुक्र के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। दोस्तों आज रंग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, शी पंचमी, रंग पंचमी। तो रंग पंचमी के त्योहार पर एक सरल से मंत्र का जाप आपके जीवन के अंदर मां लक्ष्मी का प्रवेश करवा सकता है। लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। लाभ क्या है? आज रंग पंचमी पर करें इस मंत्र का जाप, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, मिलेगी बढ़ते कर्ज से गरीबी, दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति, और किसी गरीब व्यक्ति को एक वेला का, एक समय का भोजन आज अवश्य कराइएगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। आज रंग पंचमी का दिन है, शी पंचमी का दिन है। आज माता लक्ष्मी, आज रंग पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजन अर्चन कीजिएगा, लाल गुलाल अर्पण कीजिएगा, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पर फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त होंगे। आज रंग पंचमी के दिन पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजन अर्चन करें, लाल गुलाल अर्पण करें, प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें, दाम्पत्य जीवन में खुशी और प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चन करें, पीले कपड़े में एक सिक्का, हल्दी के 5 गांठे बांधकर पूजा स्थान पर रखें, घी का दीपक जलाएं, पूजा पूर्ण होने के पश्चात उस सिक्के की पोटली को तिजोरी में रख दें, तिजोरी में धन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रंग पंचमी को माँ बगलामुखी की प्रतिमा पर पीला गुलाल अर्पण कीजिएगा, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। रंग पंचमी पर शिवलिंग पर भांग की ठंडाई से अभिषेक कीजिएगा, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। रंग पंचमी पर हनुमान मंदिर में लाल गुलाल अर्पण कीजिएगा, बल बुद्धि में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो आप सभी दर्शकों को
एक बार पुनः रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देवी देवताओं की होली है तो हम भी उसमें सहभागी अवश्य बने। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही, कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।